आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक हम कर रहे हैं, गिव होता है देना, टेक होता है लेना। ये जो टॉपिक है क्लास थर्ड के लिए है, सब्जेक्ट मैथ्स। शुरू करते हैं अपना टॉपिक गिव एंड टेक। देखो बेटा, गिव होता है देना, टेक होता है लेना। अब जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ नोटबुक में, ध्यान से देखिए। 2 + 1, दो में जब हम एक जोड़ देते हैं तो वो 3 बन जाता है। अब देखिए, दूसरा मैंने आपको स्टार्स बना के दिखाए हुए हैं। एक स्टार वन काउंट करेंगे 1 2, उसमें हम एक और स्टार जोड़ देंगे तो कितने स्टार हो गए, 3 1 2 3। तो जो इसको जो हमने स्टार जो हमने एक और दिया प्लस करके, तो वो गिव हो गया। हमने दे दिया एक और स्टार, तो वो दो में एक और दे दिया तो बन गए 3। ठीक है, गिव जो है वो एडिशन भी होता है। देखिए, दो बॉल्स थे, हमने इसको एक और बॉल दे दी 1 2, प्लस एक और बॉल। जो ये मैंने प्लस का साइन बनाया है, यही एडिशन का साइन है। अब 3 बॉल बन गए 1 2 3, यानी कि हमने इसको गिव दे दी एक और। अब टेक होता है लेना, टेक होता है लेना। ये जो 3 माउसेस दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो 3 माउसेस के आगे जो साइन जैसा लाइन जैसी है, इसको माइनस का साइन कहते हैं, यानी कि लेना। अब ये 3 माउसेस हैं, इनमें से एक माउस हमने ले लिया यानी टेक कर लिया, तो कितने बच गए, 4 थे बच गए, 1 1 2 3 3 थे, 3 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो जो है 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2 ही आना, 2 ही आएगा। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पर। ये जो एक और चूहा है ये बाय मिस्टेक बन गया, तो दो ही इसको जो है, दो ही चूहे आएंगे, दो ही बनाने हैं आपको, तो 1 2 3 4। उसके बाद एडिशन का जो साइन है, मैंने ब्रैकेट में रखा है, ये प्लस है, माइनस का ना साइन जो है ये है। ठीक है, अब पेज पे जो हमारा बुक है उस पे आ जाइए आप। देखो बेटा, गिव एंड टेक हम बुक से अब करेंगे। आई एम किट्टू, दिस इज़ माई होम, इज इट ह्यूज, इट हैज़ 100 रूम। बोला मेरा नाम किट्टू है, मेरे पास एक घर है, तो इसके जो है 100 रूम्स हैं। हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम, अब मेरे को इनमें से कुछ रूम्स को पेंट करना है, मेरी मदद कीजिए। आई स्टार्ट फ्रॉम टू, आई एड 10 to 2 to reach, मैंने 2 से शुरू किया, देखो नीचे 2, फिर मैंने इसमें 10 और जोड़ दिए, 12 तक पहुंचने की है, और मैंने इसको पेंट कर दिया। टू एड 10 + 2 वी कैन ग्लो ऑल द वे राइट टू 10। हम कोई भी रास्ता जो है चुन सकते हैं 2 से लेकर 10 तक। देन अप टू 12, अब हम 11 पे चल गए 1 स्टेप, अगर हम 11 पे चले गए तो हमें राइट साइड में एक और स्टेप लेंगे, तो 11 के बाद 12 है, हम 12 पे पहुंच गए। दिस इज़ द वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12, एक और तरीका है। देन इज देयर ए शॉर्टकट, अब अगर कोई शॉर्टकट है, येस वी कैन जम्प 1 रो, हम एक रो को ही जम्प करते हैं। जैसे 2 to 12 इज़ लाइक टेकिंग 10 स्टेप, 2 से लेकर 12 तक हम 10 स्टेप आगे लेंगे। ठीक है, अब जो है एक और पेज है इसका, आप आ जाइए उस पेज पे भी। हाँ, ये देखो, अब अगेन जो इसकी आपके बुक का नेक्स्ट पेज है, नाउ ट्राई 1 jump from 14, अब 14 से हम +10 करके जो है और 24 पे पहुँच गए। ठीक है, अब इसको रूम कर दिए, 10 जोड़ दिए, ऊपर पहुँच गए। हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41, जंप फ्रॉम 22 to 41, 22 से लेकर 42 जाना है, तो 22 में हमने 20 स्टेप यानी 20 और जोड़ दिए, बन गया 42। फिर अब 42 से 1 वापस आना है, तो एक माइनस कर देंगे तो 41 पे पहुंच जाएंगे। हाउ मेनी स्टेप डिड आई गो इन ऑल, तो आप ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम 22 1 step left to 21, देन 2 jumps from up to 41, फिर अगेन जो है 21 माइनस 1 हो गया 22 माइनस 1 21, फिर 21 में और 10 जोड़ दिए तो 41 पे पहुंच गए। ये जो बेटा है ना, ये वाला आप घर पे करेंगे, 10 less than 34, यानी कि 34 में से हमने 10 माइनस करने हैं, ये आप घर पे ही करेंगे। इसमें 52 53 में से 20 निकालने हैं, ये आप घर पे करेंगे, होम असाइनमेंट है आपका। 11 more than, मैं आपको बताती चला, मोर देन का भी गिव होता है और मोर देन होता है प्लस, यानी कि जोड़ दो, 31 में 11 और जोड़ दो। लेस देन का मतलब होता है माइनस कर दो, इसमें 66 में से 11 माइनस करने हैं, कम घटाने हैं, 62 + 13, फिर 23 < 89 का मतलब है 89 में 23 लेस करने हैं, कम करने घटाने हैं। 10 and 40 more का मतलब प्लस करना है, 10 में 40 जोड़ने हैं तो वो कितना आएगा, ये आपको होम घर में करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस।